अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान मुनीर और आप देख रहे हैं इब्राहिम फन क्लब। और इसमें मैं मौजूद हूं इब्राहिम पोल्ट्री फार्म के इनसाइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बरादा जो डल चुका है, वाटर लाइन और ये फीड लाइन्स का लेवल भी हो गया था और पार्टीशंस भी कर दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डक्ट भी लग गई है ब्रूडर के लिए। इसमें से गर्म हवा आएगी, ये देखें ये पॉकेट्स इसकी बनी होती हैं, तो ये इसके साथ अटैच हो गई है पाइप्स के साथ। तो यहाँ से गर्म हवा पूरे शेड के अंदर टेम्परेचर इसका कंट्रोल करने के लिए दी जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिक भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी बस रेट की बारगेनिंग चल रही है कंपनी के साथ, तो जो भी रेट फाइनल होगा फिर वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, किस रेट में हमें चूज़ा मिला है और किस टाइम आता है और किस तरीके से आते साथ उसे क्या उसे वैक्सीनेशन वगैरह करनी पड़ती है और मेडिसिन आने पर उसे कौन सी दी जाती है, ये सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज़ चैनल को ज़रा लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू सो मच। इस दफ़ा ये साइडों पे भी शापल लगा के से बंद कर दिया गया है, ये देखिए। और ये ब्रूडर का सिस्टम होता है, ये ब्रूडर लगा हुआ है इनसाइड, और ये डक्ट इसकी से कहा जाता है, इसको पॉकेट से ये दूसरी अभी लगाई जा रही है, यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये ब्रूडर चला के इसको चेक कर रहे हैं, इसकी हवा का सिस्टम सारा या पॉकेट्स वगैरह में कैसे, ये दोनों साइडों पे लग चुकी है और ये ब्रूडर चला के चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहा है सारा। अब इसका हीटिंग सिस्टम शुरू कर देंगे, इसके बाहर कोयला लकड़ी जलाई जाएगी और उसकी हीट अंदर आएगी इसके अंदर, और ये पूरे शेड के अंदर इसे कवर करेगी। उसका जो टेम्परेचर अभी स्टार्ट में आज रखेंगे वो तकरीबन 30 से 32 के दरमियान में रखेंगे, और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन 15 से 20 के दरमियान है अभी, जबकि रात को मज़ीद या कम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेड पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, बस इसमें अब दोबारा इसे एंटी स्प्रे करके इसे बंद कर देंगे।